डॉक्टर, हर्निया किस तरह की बीमारी है और ये हमारे बॉडी के किस पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करती है? हर्निया की बीमारी को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हर्निया क्या होता है। जी, हर्निया है जैसे हमारे शरीर को कुदरत ने कवच दिया हुआ है, जो हमारा मसल्स और स्किन के द्वारा जो है बनाया गया है। जी जी। जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, जब वो इस कवच में से बाहर निकल के एक बॉल की तरह, गेंद की तरह बाहर को आना शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम हर्निया कहते हैं। तो जब बाहर की सीमाएं, जैसे हमारे मसल्स या स्किन जो है वो गिव अवे कर जाती है, तो अंदर की जो इंटेस्टाइन्स या कुछ और वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो उस जो वो टूट जाता है बाहर का कवच, तो उसको हम कहते हैं कि ये हर्निया हो गया है। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि हर्निया क्या है, डॉक्टर में बताइए कि हर्निया कितने तरह के हो सकते हैं? हर्निया बहुत प्रकार का होता है। हर्निया पहले तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि शरीर के किस हिस्से में है। जी। सो जनरली जैसे मोस्ट कॉमन हमें जो देखने को मिलता है वो हर्निया होता है इंग्वाइनल हर्निया। जी जी। जो पेट और जांघ के जंक्शन के पास जो जी, है जी, उसका जी, होता है। जी। फिर कुछ हर्नियाज होते हैं जैसे जो हमारा अम्ब्लाइकस होता है। जी। तो उसके पास जो हर्नियाज हैं, या वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल है, जो जो सामने की तरफ हमारी दीवार है पेट की, वहाँ से निकलने वाले हर्नियाज को हम वेंट्रल हर्नियाज बोलते हैं। जी। इसी प्रकार के कई बार कई पेशेंट आपको मिलेंगे जिन्होंने पहले कोई सर्जरी कराई होती है। जी, तो जी। वो किसी सर्जिकल प्रोसीजर को जब वो अंडरगो करते हैं, तो उस जगह के ऊपर जब वो स्कार वीक हो जाता है, तो वहाँ पे जो हर्नियाज बनते हैं उन्हें हम इंसिजनल हर्नियाज कहते हैं। फिर कुछ हर्नियाज होते हैं जो बचपन से होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजेनिटल हर्नियाज। कुछ बच्चे जो हैं वो विद हर्नियाज ही पैदा होते हैं, तो उन हर्नियाज को हम कंजेनिटल हर्नियाज बोलते हैं। फिर कुछ हर्नियाज होते हैं जो हमारे चेस्ट और अब्डोमन को डिवाइड करने वाला डायफ्राम है, उसके बीच में जो हर्नियाज होते हैं उनको हम कहते हैं डायफ्रामेटिक हर्नियाज। सो ये हर एज ग्रुप में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्नियाज जो है वो आपको मिलेंगे। जी जी जी। जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब ये बॉडी के हर पार्ट को इफेक्ट कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। जी जी जी। डॉक्टर, ये हर्निया किस रीजंस की वजह से हो सकता है? हर्निया कुछ तो कुदरती तौर पे जो कुछ रिंग्स होते हैं जो शरीर में जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है जी। तो उनका जब वो क्लोजर नहीं होता, तो कुछ बच्चे पैदा ही इन डिफेक्ट्स के साथ होते हैं। जी जी। तो उनमें कुछ वो हर्नियाज हैं जिनमें हम इंग्विनल हर्नियाज या अम्बिलिकल हर्नियाज, जहाँ उसका लाइकस का क्लोजर नहीं हुआ, तो फेलियर ऑफ दैट क्लोजर उन रिंग्स का जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये जो है कंजेनिटल हर्नियाज हैं। बाकी कारण जो हर्नियाज के होने का है, एक मैंने जैसे आपको बताया कि कोई इंजरी हुई एब्डोमेन को, या कुछ पेशेंट को सर्जरी हुई तो वो स्कार वीक रह गया, तो वहां से भी जो है वो कमजोर एरिया है, तो वहां पे जो शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो दे आर इंसीजनल हर्नियाज। तो इसी प्रकार से कुछ हर्नियाज होने के कारण होते हैं, जैसे बहुत ओबेसिटी है जी। तो पेशेंट जो है उसमें बहुत ज्यादा एब्डोमिनल फैट हो जाता है, तो जब वो फैट है वो मसल लेयर्स को सेपरेट कर देता है, तो उस सेपरेशन से जब वो मसल लेयर वीक हो जाती है, तो वहां पे भी हर्निया जो है वो बन जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर पेशेंट को क्रोनिक कफ है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक यूरिनरी टेंशन है, तो इन कारणों से भी वो जो दीवार है वो वीक हो जाती है बाहर की, और जो अंदर के कंटेंट्स बाहर आने शुरू होते हैं, तो हम बोलते हैं कि पेशेंट को हर्निया हो गया। तो देखिए कुछ कॉमन कारण है। इनमें और कारण हो सकते हैं, जैसे पेशेंट स्मोकर है, क्रॉनिक स्मोकिंग है, तो स्मोकर्स में जनरली आप देखेंगे उनमें क्रॉनिक कफ भी रहता है। तो जब क्रॉनिक कफ होता है तो अब्डोमिनल वॉल के ऊपर एक प्रेशर जो है कॉन्स्टेंटली बना रहता है, तो वो जो स्ट्रेच है वो उन मसल्स को वीक करता है, और मसल्स की दीवार कमजोर हो जाती है, और अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो बाहर आते हैं, फिर उसको हम कह सकते हैं ये भी एक कारण है हर्निया होने। तो ये जो सभी कारण जो मैंने आपको बताए हैं, ये बेसिकली उस दीवार को कमजोर करने वाले कारण हैं। डॉक्टर, जैसे हमने देखा है कि कई बच्चों को नहीं होता, या ज्यादा एज्ड होने पर ये चीज ग्रो होती है, या कईयों पैदा होते ये चीजें हो जाती है, तो मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप है कि ये चीज डेवलप हो, या ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है? नहीं, एज ग्रुप तो एक तो जो कंजेंटल हर्नियाज है वो तो विद बर्थ ही बच्चों में आएंगे जी। वो तो बच्चा पैदा होता है तो एट बर्थ होता है, या इमीडिएटली आफ्टर दैट जो है पेरेंट्स वो नोटिस करते हैं कि ये कुछ नॉर्मल लुकिंग नहीं है, अब नॉर्मल है, तो वहां से मतलब कुछ एरिया जो है वो फूला हुआ है, बड़ा हुआ है, या बच्चे के रोने के साथ उसका साइज बढ़ जाता है, और जब बच्चा आराम से सो रहा है तो वो साइज कम हो जाता है, तो ऐसी फाइंडिंग्स दे आर कंजेनिटल। बट जनरली यंग एज ग्रुप में भी अगर आप देखेंगे, जहां ये पेशेंट ओबीज होना शुरू होते हैं, या कई बार जो पेशेंट सडनली बहुत ज्यादा वेट लॉस करते हैं, सो दे आर नॉट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस और बहुत वेट लॉस कर रहे हैं, तो उनमें भी, और साथ में बढ़ती उम्र में जो ये आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं ये वीक हो जाते हैं, तो उनमें भी जो यू विल फाइंड दीज हर्नियाज वेरी कॉमन। जी,
डॉक्टर, टीनेजर्स और यंगस्टर्स को कितना इफेक्ट करता है ये? काफ़ी इंसिडेंस है टीनेजर्स और यंग एजेस में भी, देर लॉट ऑफ, और वैसे भी सर्जिकल प्रैक्टिस का एक मेजर हिस्सा जो है वो रूटीन में भी हर्नियाज है। इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज। अगर आप देखेंगे तो 50-60% ऑफ सर्जिकल प्रैक्टिस में जो केसेस हैं वो हर्नियाज के डिफरेंट एज ग्रुप्स में आपको देखने को मिलते हैं। जी जी जी। डॉक्टर, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें हर्निया है या हम हर्निया के रिस्क में हैं? हर्निया जब पेशेंट को होता है तो उसको अपनी जो नॉर्मल अब्डोमिनल वॉल से कुछ बड़ा हुआ नज़र आता है। जैसे उसको जब वो पेशेंट बेड पे लेट जाता है तो वो चीज़ जो है डिसअपियर हो जाती है। तो जब हम चलते फिरते हैं, स्ट्रेन करते हैं, कफ करते हैं, या हम कॉन्स्टिपेशन है किसी को, या जहाँ मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं लेडीज़ में, तो वहाँ पे जो है वो एक आप देखेंगे कि लटकी हुई एब्डोमिनल वॉल है, वो बाहर को आपके शरीर से बाहर आपको नज़र आएगा कि कुछ आ रहा है। जी, तो जी। वो एक मेजर सिम्टम है कि आपको हर्निया है। फिर वहाँ पे जनरली क्या होता है कि हर्निया वाले एरियाज में पेशेंट को दर्द रहना शुरू हो जाता है, हैवीनेस रहती है, भारापन होगा वहाँ पे, और वो डिस्कम्फर्ट फील होता है क्योंकि देर इज़ ए ड्रैगिंग सेंसेशन, क्योंकि जो अंदर की अंतड़ियाँ हैं वो उस हर्निया का कंटेंट बनाती हैं, तो वो उसके साथ जो है उस डिफेक्ट में से निकलने की कोशिश करती हैं। तो वो कॉन्स्टेंट एक ड्रैगिंग सेंसेशन, हैवीनेस फीलिंग जो है पेशेंट को होगी, तो पेशेंट को खुद ही मतलब उसमें बड़ा कॉमनली पता लग जाता है कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम हर्निया। डॉक्टर, हर्निया का पता चलने पर या ऐसी कोई शंका होने पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले किसी सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए। सो एग्जामिनेशन जो है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द हर्नियाज आप जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोज कर सकते हैं। सो वन हु इज ट्रेंड इन सर्जरी विल बी वेरी इजीली विल एबल टू टेल कि ये आपको हर्नियाज हैं। सो बच्चा है उसमें आपको कुछ अब नॉर्मल नजर आता है, सो जांघ के पास फूलता है, रोने पर बढ़ता है, तो आप उसको एग्जामिन कराइए। इसी तरह अगर आपकी सर्जरी हुई है उस एरिया में कुछ आपको लूज एरिया लग रहा है, कुछ को बाहर आता लग रहा है, पेन है, सो अगेन यू कैन गो टू ए डॉक्टर। सो कुछ हर्नियाज होते हैं जो डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम करते हैं, जिनको हम कहते हैं डायफ्रोमेटिक हर्नियाज। सो वहाँ आप देखेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है, पेशेंट को एक स्टर्नम के पीछे बर्निंग सेंसेशन रहता है, पेन रहता है और हैवीनेस रहता है खाने के बाद। सो दोज पेशेंट्स शुड ऑल्सो, उनके लिए कई बार जो है नॉट ओनली एग्जामिनेशन, सम इन्वेस्टिगेशंस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डायग्नोस दोज हर्नियाज। दोस्तों, आपने जाना कि कैसे आपको हर्निया का, अगर आपको कोई भारीपन महसूस हो रहा है या आपको एब्डोमिनल में कहीं पेन है, तो आप तुरंत ही अपने किसी नज़दीकी सेंटर, मेडिकल सेंटर में जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं। डॉक्टर, हमारे श्रोताओं को बताइए कि जैसे आपने कहा कि हमें मेडिकल चेकअप के लिए तुरंत जाना चाहिए, तो चंडीगढ़ में ऐसे कौन कौन से हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटर है जहाँ पे इसका इलाज कराया जाता है? देखो, डायग्नोसिस तो ट्रेंड जो विशेषज्ञ है इजीली कर सकता है, तो आप किसी आपके नज़दीक जो डिस्पेंसरी है वहाँ भी आप जा सकते हैं जी। तो वहाँ पे चंडीगढ़ में ऑलमोस्ट हर जगह ही छोटी डिस्पेंसरीज हैं, तो अगर आप वहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं वो डायग्नोज कर पाएंगे कि यू आर सफरिंग फ्रॉम हर्निया, तो फिर उसके बाद इलाज के लिए दे जनरली रेफर यू टू ए हॉस्पिटल जहाँ पे अच्छे सर्जिकल सेंटर्स हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास सेक्टर 32 में मेडिकल कॉलेज है, सेक्टर 16 में गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, या पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, तो वहाँ पे आप अपना जाके इसका इलाज करवा सकते हैं। जी। डॉक्टर, इसके इलाज का कोई और तरीका है? जैसे हम देखते हैं कि होम रेमेडीज या एल्डर्स कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो इससे ठीक हो जाएगा, या ऐसा कुछ तरीका? देखिए, इसके इलाज में नहीं है, बट हाँ, प्रिवेंशन के लिए आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे ओवरवेट होना जो है वो आप अवॉइड करें जी, एकदम से वेट गेन बहुत ज़्यादा ना हो या वेट लॉस ना हो, और अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, वेट गेन नहीं हो रहा है, तो हम इन चीज़ों को काफ़ी हद तक मतलब स्ट्रिक्ट कर सकते हैं जी। तो उसके बाद आप इसमें जो है स्मोकर्स जो हैं वो स्मोकिंग ना करें, अगर क्रोनिक कफ है तो उसका इलाज टाइम से करवाना चाहिए जी, जी। फिर अगर पेशेंट को कई बार कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो अगर आपका डाइट ठीक होगा तो वो कॉन्स्टिपेशन वाला पार्ट दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। हाई फाइबर डाइट अगर पेशेंट ले रहा है तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगा, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने से कॉन्स्टेंट स्ट्रेनिंग नहीं होगा, स्ट्रेनिंग से चांसेज ऑफ हर्निया जो है होने के वो कम होते हैं। तो इसी तरह समटाइम्स एक और इसमें जो है जो रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बड़ा हेल्पफुल है, उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, तो वीकनेस होने का चांस कम रहता है।
डॉक्टर, इसके इलाज में मतलब क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, अगर जैसे कोई पेशेंट है वो अपना इलाज करवाना चाहता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बड़ा इजी है। जब आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं जी, वो आपके एग्जामिनेशन करने के बाद डायग्नोसिस को आपको बताएगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम हर्निया, तो इसका आपको सर्जिकल प्रोसीजर करवाना चाहिए। उसके लिए जो हमारे रूटीन मेडिकल टेस्ट हैं वो करवा के आपको इलेक्टिवली जो है सर्जरी की डेट मिल जाती है एंड यू कैन गो एंड गेट इट डन। तो आजकल तो इसकी जो सर्जरी है बहुत ईजी है और बड़ा जल्दी पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल से भी छुट्टी हो जाती है। कुछ केसेस तो वी आर डूइंग ऑन अ डे केयर सर्जरी बेसिस ऑल्सो, सो विद इन यू कैन से 24 आवर्स पेशेंट, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। जी जी डॉक्टर, इसके इलाज में किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम इसका इलाज नहीं करवाते हैं जी, तो जो एक सिंपल ट्रीटमेंट के साथ जिस चीज का इलाज किया जा सकता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है जी। तो जब ये हर्निया प्रोग्रेस करता है, सो सपोज इसमें इंटेस्टाइन आपकी आ गई है, तो क्या होता है कि वो इंटेस्टाइन कई बार बाहर आ जाती है, वो अंदर जाने को रिटर्न जो है वो वापस नहीं जाती, रूटीन में बाहर आई अंदर गई ऐसे चलता रहता है, पर कई बार क्या होगा कि एक दिन वो रिटर्न नहीं करेगी एब्डोमिनल कैविटी में, तो दैट कैन लीड टू जिसको हम बोलते हैं इरिड्यूसिबल स्टेज ऑफ हर्निया। पहले हर्निया रिड्यूसिबल होता है, जो अंदर आता है बाहर चला जाता है जी, फिर जी। वो इरिड्यूसिबल हो जाता है कि वो बाहर ही रहेगा, शरीर से अंदर नहीं जाएगा। सो दैट कैन लीड टू, पहले इरिड्यूसिबिलिटी की स्टेज है, उसके बाद वो गट की ऑब्स्ट्रक्शन है। सो गट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने का मतलब है कि इंटेस्टाइन्स के फ्लो जो है वो रुक गया। वो रुकने के बाद कई बार क्या होता है इसमें स्ट्रेंगुलेशन हो जाता है। स्ट्रेंगुलेशन मीन्स उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और वो नेक्रोटिक हो जाती है। नेक्रोटिक होने से इंटेस्टाइन्स फट भी सकती है। सो जो एक सिंपल डिजीज थी और जिसको बहुत सिंपल तरीके से इलाज किया जा सकता था, वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर बन जाता है और पेशेंट की उसमें जान जाने का भी रिस्क हो जाता है, और उसमें जब ट्रीटमेंट होता है फिर पेशेंट की मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी भी बढ़ जाती है। सो इसको टाइम से इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, और एज सच जो कॉम्प्लिकेशन रेट सर्जरी का है वो काफ़ी कम है, और इसमें कॉमन ही प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे इन्फेक्शन, हेमरेज, ये चीज़ें हैं, बट दीज कॉम्प्लिकेशन कैन बी वेरी इजिली टैकल्ड ऑन टेबल और एज वेल एज आफ्टर दी सर्जरी ऑल्सो। सो इलाज कराने का रिस्क कम है, ना कराने का इसमें कई बार ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। डॉक्टर, मतलब इसके इलाज के प्रोसीजर्स क्या हैं, मतलब किस तरह की सर्जरीज की जा सकती हैं? हर्निया का इलाज जो है इसको एक तो किया जाता है ओपन सर्जिकल मेथड्स के साथ जी, और दूसरा होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है उसमें हम बहुत छोटे छोटे छेद करके ऑलमोस्ट 2 या 3 जो है 10 mm 5 mm के छेद किए जाते हैं जी, जी। और उसके द्वारा इसकी जो है रिपेयर कर दी जाती है, और पेशेंट बहुत जल्दी अपने काम पे रिटर्न कर सकता है, उसकी छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, और बड़ा कॉस्मेटिक है और बड़ा इजीली पेशेंट ही कैन रिटर्न बैक टू हिज वर्क ऑल्सो। और दूसरा है ओपन सर्जरी, उसमें भी जो है इट कैन बी डन, इवन जो इंग्विनल हर्नियाज हैं वी आर डूइंग इट इवन अंडर द लोकल एनेस्थीसिया। सो पेशेंट का वो सिर्फ वो भाग जो है उसको सुन किया जाता है और उस एरिया में जो है एक इंसिजन लगा के हर्निया का जो है उसको रिड्यूस करके वी रिपेयर इट, और देन वी कैन री इन्फोर्स विद मैशेज ऑल्सो। तो आजकल तो इतने अच्छे मटीरियल्स हैं कि इवन विद द यूज ऑफ दोज मटीरियल्स इसका रेकरेंस रेट जो है वो बहुत ही कम हो गया है। सो उनको सम केसेस इट इज लेस देन 1%, जो किसी टाइम पे मतलब मोर देन 20-30% रेकरेंस हुआ करता था, दैट हैज सिग्निफिकेंटली बीइंग रिड्यूस्ड विद द बेटर मटीरियल्स व्हिच आर अवेलेबल टुडे। जी 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 दोस्तों, आपने जाना कैसे इसका शुरुआती स्टेजेस पे ही पता लगा के आप छोटे ऑपरेशन से भी हर्निया का इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर, जिन पेशेंट्स को हर्निया है या ऐसी कोई शिकायत है, उनको ज्यादातर किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए अपने रोजाना के कामों में? देखो, एक इसमें ऐसा है कि आप अपना वजन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने ना दें, बिकॉज वजन बढ़ने से मसल्स ऑल वीक होते हैं और हर्निया ज्यादा प्रोग्रेस करता है जी। कफ वगैरह जो है उसका इलाज टाइमली होना चाहिए, स्मोकिंग जो है उसको नहीं करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना चाहिए, उसके लिए आप हाई फाइबर डाइट ले सकते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे वजन आपने उठाना है तो उसका जो टोटल वेट आपने किसी भी चीज को उठाना है तो उसको किस चीज पे वजन लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जी, मतलब जी। जैसे नीचे से कोई चीज आपने उठानी है तो यू कैन टेक वेट ऑन योर नीज या लेग्स रादर देन पुटिंग स्ट्रेन ऑन द एब्डोमिनल कैविटी, बिकॉज जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो हर्निया है वो बाहर को आएगा और आपको ज्यादा दिक्कत होगी जी, तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, खान पान कितना रोल प्ले करता है इन हर्निया को कम या खत्म करने में?
इसको होने में तो आप देखें इसको प्रिवेंट करता है, बट एक बार हो गया तो हम इसका प्रोग्रेशन जो है वो स्लो हो सकता है. डाइट शुड बी ए गुड न्यूट्रिशियस डाइट और इट शुड बी यूसी पेशेंट अनीमिक ना हो, वो भी बहुत जरूरी है उसमें. सेकेंडली जो आप डाइट जो है वही ओवरवेट मत हो, तो डाइट के हिसाब से होनी चाहिए. फिर डाइट में फाइबर कंटेंट ज्यादा हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगी, स्ट्रेनिंग नहीं होगी. सो डाइट हैज ए रोल डेफिनेटली, जैसे बाकी बीमारियों में है उसमें हर्निया में भी इट इज हेल्पफुल. डॉक्टर, जैसे छोटे बच्चों को हर्निया हो जाता है या उनके पैदा होते ही उनको हर्निया की शिकायत होती है, ऐसे पेरेंट्स को क्या खास ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों का किस तरह ध्यान रख सकते हैं? नहीं, वो देखो आप इसका उनको इलाज कराना चाहिए. दे कैन गो इन फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर जी, और दैट कैन बी वेरी इजीली डन जी, और इसका इलाज करा के दे कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम जी जी जी. डॉक्टर, फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज, जॉगिंग, ये सब क्या रोल प्ले करती है हर्निया को कम करने में? नहीं, अगर पेशेंट को देखो हर्निया है तो इलाज कराने के बाद फॉर अ वीक और टू वीक्स पेशेंट को इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा जी, हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना पड़ेगा. बट अगर रूटीन में जो पेशेंट है जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है और आप जॉगिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो आपके मसल्स को बिल्डअप करेंगे और इसको होने में प्रिवेंट करेंगे.